नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों, आज हम जो आपके लिए वैकेंसी लेकर आए हैं और जो न्यूज़ लेकर आए हैं वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि डाक विभाग में 4270 प्लस पदों पर भर्ती निकली है, वो भी डायरेक्ट, जिसमें कोई रिटर्न नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती है ये। और दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, तो ये 4392 भर्तियाँ हैं और इसमें जनरल OBC और EVS मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये का फॉर्म है और वुमेन SC और PW के लिए ये फ्री एग्ज़ाम, ठीक है। और इसमें कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। एज लिमिट इसमें मिनिमम जो है वो 18 साल है। और बाकी चीज़ें मैं अभी बताता हूँ दूसरी स्लाइड में आपको। दोस्तों, इसमें मिनिमम एज जो है आपकी 18 रहेगी और जो मैक्सिमम एज है वो रहेगी 40 साल, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो कम से कम आप 10th स्टैंडर्ड पास होना ज़रूरी है आपका, जो हाँ जो इसके मिनिमम आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो 10th स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी बड़े स्केल पर ये वैकेंसी है, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती हैं, 4300 वैकेंसी हैं और 10th स्टैंडर्ड पास से हैं। तो जो लोग भी इसको भरना चाहते हैं, बनना चाहते हैं डाक विभाग में, डाकिया वगैरह जो भी कुछ है, तो वो इसको फार्म को भर सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो वैकेंसी हैं इसमें, एक डाक सेवक की है, एक BPM की है। जो डाक सेवक की है उसको पहले बता देता हूँ मैं, उसमें सैलरी आपकी 10,000 से 24,470 तक रहेगी, ठीक है। और जो आपकी BPM की है उसमें सैलरी आपकी रहेगी 12,000 से लेकर 29,380 तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। और दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म को सबमिट करना है और अपनी प्रिपरेशन में जुट जाना है, क्योंकि 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों, लास्ट डेट निकलने से पहले ही जो है फॉर्म को सबमिट करो और तैयारी करो और भर्ती लो। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, इसी तरीके से हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।